हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबुज। आप देख रहे हैं जीके अंबुज। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा कि एप्पल इज प्लानिंग समथिंग न्यू। तो वो न्यू चीज है मैकबुक एयर। मैकबुक एयर प्लानिंग करने के बारे में एप्पल सोच रहा है, लेकिन अभी तक मैकबुक एयर क्यों नहीं लॉन्च करा है? तो उसका वजह है ये मैकबुक प्रो M1। मैकबुक प्रो M1 इस जिस प्राइस रेंज में है, उस प्राइस रेंज में अगर एयर को लॉन्च किया जाता, क्योंकि एयर जब लॉन्च करेगा तो ऑब्वियस है उसमें जो एग्जिस्टिंग एयर है अभी जो 90,000 के आसपास है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करेगा, उसके बाद से नॉचेज लगाएगा, एक्स्ट्रा पेरिफेरल जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं उसको देगा, तो उसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो अगर उसका डेफिनेट प्राइस बढ़ता है और प्रोसेसर जो काउंट है, जो अभी मैकबुक एयर का जो प्रोसेसर काउंट है CPU 8 कोर है और जो GPU है 7 कोर है, लेकिन एप्पल नहीं चाहता है कि ऑलरेडी जो मैकबुक प्रो M1 है उसकी सेलिंग अच्छी हो रही है, तो इसके जो सेलिंग में उसमें कोई डिफरेंस नहीं लाना चाहता। इसी की वजह से अभी तक एप्पल ने मैकबुक एयर को लॉन्च नहीं करा है। अभी बता दूं कि अभी पिछले साल नवंबर में मैकबुक प्रो को लॉन्च करा गया 14 इंच और 16 इंच, लेकिन उसका प्राइस काफी ज्यादा था। अभी जो सस्ते वाला मैकबुक प्रो है, इसको छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, अभी जो 14 और 16 इंच का लॉन्च करा गया है, उसका प्राइस जो सस्ते वाले का है 14 इंच वाले का, उसका प्राइस 1,95,000 रुपये है। तो आप सोच लो कि 1,20,000 के आसपास इसका है और 1,95,000, तो जो प्राइस डिफरेंस है, जो गैप है, वो काफी ज्यादा हो गया है। अगर एप्पल जो मैकबुक एयर लॉन्च करता है तो प्राइस 1,00,000 के आसपास रखेगा तो इसके सेलिंग में प्रॉब्लम आता है। अगर अगर 1,20,000 के आसपास रखता है तो फिर क्या है कि कुछ ऐसी चीजें देनी पड़ेंगी जिसके वजह से लोग मैकबुक एयर को परचेज करेंगे और इसको परचेज नहीं करेंगे। तो अभी ये जो मैकबुक M1 Pro है, ये उसको लॉन्च नहीं होने दे रहा है, लेकिन अभी एप्पल नहीं चाहता कि जो गैप है वो बढ़े। हो सकता है कि इसके प्रोडक्शन लाइनअप को होल्ड करे और उसके बाद से जो मैकबुक एयर है उसको लॉन्च करे, इसमें अच्छे फीचर्स दे, और अच्छे फीचर्स देने के वजह से हो सकता है वो बिके। और मैं बता दूं कि एप्पल प्लानिंग कर रहा है उसमें कि अभी तक तो का जो करेंट सिनेरियो है उसमें जो लेटेस्ट प्रोसेसर, लेटेस्ट जो लैपटॉप है 14 इंच और 16 इंच के मैकबुक प्रो है, वो हाईएस्ट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी है, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से उनका प्राइस भी है, तो उतना प्राइस सारे लोग नहीं दे पा रहे हैं। जो प्रोफेशनल लोग हैं उतने प्राइस पे कर पा रहे हैं, नॉर्मल लोग प्राइस नहीं पे करते हैं। जो लोग सोचते होंगे मैकबुक एयर परचेज करने के बारे में, तो मैकबुक अभी जो एग्जिस्टिंग एयर है उतना अच्छा नहीं है। अगर आपको परचेज करना है तो मैकबुक एयर परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के आप मैकबुक M1 Pro परचेज कर सकते हैं, जो कि उसका प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो काफ़ी अच्छा है। तो लेकिन अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो मैं बोलूंगा कि हो सकता है कि जून जुलाई या थोड़ा और दिन के बाद सेप्टेम्बर अक्टूबर में मैकबुक एयर लॉन्च करे, और हो सकता है कि इसका भी एक सक्सेसर लॉन्च हो जाए, जो M1 है उसका भी सक्सेसर लॉन्च हो जाए, M1 मैकबुक प्रो का सक्सेसर लॉन्च हो जाए, और जो एयर है उसका भी सक्सेसर लॉन्च होगा। तो इसका सक्सेसर जो लॉन्च होगा तो हो सकता है मे बी प्राइस 1,50,000 के आसपास आ जाए, और जो एयर है उसका जो सक्सेसर लॉन्च होता है तो मे बी उसका प्राइस 1,20,000 के आसपास आएगा, और जो ये जो एग्जिस्टिंग है इनका प्रोडक्शन लाइनअप होल्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद से आप देखो कि 1,20,000 के आसपास एक मैकबुक एयर हो जाएगा, 1,50,000 के आसपास मैकबुक प्रो हो जाएगा, उसके बाद से और जो प्रोफेशनल लेवल के जो मैकबुक्स हुए हैं वो और भी हायर प्राइस के होंगे, तो एक गैप बन जाएगा, उस हिसाब से लोग परचेज करेंगे। लेकिन अभी गैप सही से बैठ नहीं रहा, उसकी वजह से मैकबुक एयर को लॉन्च नहीं किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैकबुक एयर लॉन्च होगा, लेकिन उसके अगर ये तो दोनों साथ में लॉन्च हो जाएंगे, मैकबुक प्रो और मैकबुक एयर, या तो मैकबुक एयर लॉन्च होगा और तुरंत वो मैकबुक प्रो को लॉन्च करना पड़ेगा, M1 प्रोसेसर का जो M1 है उसका सक्सेसर लॉन्च करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे ही उम्मीद लगाई जा रही है, या जो लीक्स आ रहे हैं उसके वजह से पता चल रहा है कि उसमें स्मॉलर बेजल्स मिलेंगे आपको, और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी एक साथ मिलेगा, जिसके वजह से आप SD कार्ड कनेक्ट कर पाओगे, या आपको HDMI केबल वगैरह लगाना है वो भी लगा सकते हो। और उसके बाद ही बताया जा रहा है कि जो M1 Air है वो हो सकता है कि M2 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाए, क्योंकि अभी जो मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोसेसर है, एक तो M1 है या M1 Pro है, M1 Pro Max है, तो M2 के साथ किसी प्रोसेसर को लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि एक ये सीरीज बन जाएगा। तो उस हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि M2 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाता है, लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन M2 अभी रेडी नहीं है, तो इसके वजह से हो सकता है कि M1 जो एग्जिस्टिंग है उसमें जो CPU कोर्स है और जो GPU कोर्स है उसको बढ़ा के और एयर को लॉन्च किया जा सकता है, और मे बी इसका जो सक्सेसर होगा उसमें हो सकता है M2 प्रोसेसर डाला जाए, क्योंकि इसके लॉन्चिंग में हो सकता है एप्पल थोड़ा सा टाइम ले ले। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेशन यही है कि उसका डिजाइन अच्छा होगा और उसमें हार्डवेयर कनेक्टिविटी, एक्स्ट्रा मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट्स लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा पेरिफेरल्स लगा सकते हैं, और उसके वजह से वो अल्ट्रा पोर्टेबल होगा, और खासकर जो मैकबुक एयर होते हैं वो कंज्यूमर लेवल्स के लैपटॉप होते हैं, उसको ज़्यादातर लोग परचेज करते हैं, जो लोगों का नॉर्मल यूसेज होता है वो लोग परचेज करते हैं, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी काफ़ी परचेज करते हैं, और उसका प्राइस रेंज भी ज़्यादा नहीं होता है। तो दोस्तों, यही था। अगर आप सोच रहे होंगे कि
मैकबुक एयर परचेज करने के बारे में या मैकबुक प्रो M1 परचेज करने के बारे में सोच रहे होंगे 13 इंच के, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको बेटर मशीन मिले जो कि अपग्रेडेड हो। तो दोस्तों यही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। उसके बाद भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।